साधु की कोई साथ नहीं। सूर्य कुमार यादव, आज के दिन उस पल तेरा कोई तुल नहीं, कोई मोल नहीं। सभी भारतीयों की बेसब्री खत्म, वर्ल्ड कप ट्रॉफी का जो सुबह था वो खत्म। अब कहानी शुरू, विश्व चैंपियन भारतीय टीम के विश्व चैंपियन की तरह के हैं। एक ही मैच नहीं हारे इस विश्व कप में, 30 गेंदों में 30 रन साउथ अफ्रीका को चाहिए थे। पीछे थी भारतीय टीम, लेकिन फिर आए हार्दिक पांड्या, फिर आए जसप्रीत बुमराह, और फिर आखिर में आके भारत ने ये मुकाबला जीता, भारत ने ये विश्व कप जीता। 2007 में साउथ अफ्रीका ने जीता था विश्व कप, और 2024 में साउथ अफ्रीका के सामने जीता ये विश्व कप। 1983 की बात याद आती है, जब वर्ल्ड कप उठाया था कपिल देव साहब ने, तो हर दिल से आवाज निकली थी, इंडिया ईस्ट और वेस्ट, यू आर द बेस्ट अमंग्स द रेस्ट। और आज विराट कोहली, जब वक्त आया, कमेंट द आर, कमेंट द मैन, एक कमाल की पारी खेली, एक नींद धरी। और ये हार्दिक पांड्या, ओकेजंस विल नॉट मेक मैन स्ट्रॉन्गर, वीक दैट शो व्हाट मेटल यू आर मेड ऑफ, नर्व्स ऑफ स्टील। बहुत सारी उत्सुकता थी, बहुत सारी नर्वस एनर्जी थी, लेकिन भारतीय टीम ने उसे सकारात्मक एनर्जी में कन्वर्ट किया। गौरवपूर्ण बिताया हुआ एक घंटा कीर्ति रहे युगों से कहीं बेहतर है। और बुलबुला चाहे एक पल क्यों ना जिए, सबसे ऊंचा होकर जीता है इस टूर्नामेंट में। भारतीय टीम सबसे ऊंची, सबसे ऊपर। और देखिए ये आंसू, ये आंखें भी क्या चीज है, रंगीन हो तो छलक जाती है, और अगर खुशी से आंसू आए तो समझ लो चमक जाती है। हर आंख चमकती हुई, हर दिल धड़कता हुआ, कहता हुआ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। रोहित शर्मा के आंसू निकले थे 19 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के सामने आंसू निकले थे, वो दुखी के आंसू थे। आज जो आंसू निकल रहे हैं, आज जो आंसू है, ये खुशी के आंसू है वेस्ट इंडीज में, ये वर्ल्ड कप की विक्ट्री के आंसू है जो हार्दिक पांड्या की आंखों से बह रहे हैं, जो रोहित शर्मा की आंखों से बह रहे हैं, जो स्टीव की आंखों में नजर आ रहे हैं। भारतीय टीम की ये चैंपियनशिप